खडकाळी परिसरात जीपीओ जलकुंभते खडकाळी परिसरापर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी 13 इंची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे। ही जलवाहिनी 50 ते 60 वर्षे जुनी असल्यानं पाईप अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले होते। गुरुवारी सायंकाळी पाणीपुरवठा होताच पाण्याचा दाब वाढल्याने पाईपलाईन फुटून परिसरात पाणीच पाणी झाले। यामध्ये हजारो लिटर पाण्याचा अपव्यय झाला। ठिकठिकाणी पाणी साचल्यानं तलाव निर्माण झाले होते। नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी महापालिकेला माहिती दिली, परंतु पोलीस ठाण्याप्रमाणे महानगरपालिका विभागीय कार्यालयाच्या हद्दीच्या वादातून सुमारे 2 ते 3 तास कुणीच न आल्यानं हे पाणी वाया जात राहिलं। कुठल्याही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली नाही। परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते असलम खान यांनी पश्चिम विभागाच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनीही उडवाउडवीची उत्तरे दिली। तोपर्यंत रात्री उशिरापर्यंत हे पाणी वाया जात होते। जुना नाशिक खडकाळी वार्ड क्रमांक 14 के अंदर एक जो मेन रोड है गंजेमाल सिग्नल से जुने नाशिक में जाने वाला रोड, इसके रोड के बीच में सेंटर में एक 13 इंच की पाइपलाइन है जो पानी आने के बाद कम से कम एक घंटे से वो पानी बह रहा है और पानी की हाइट है कम से कम 8 से 10 फुट जो अभी आपने देखी भी होगी। और इसके लिए मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन किया और डायरेक्टली नाइक करके कोई साहब है उसको भी फोन लगाया, एक देशमुख है उसको भी फोन लगाया, लेकिन इन्होंने फिर से वापस से वही जो हमारे को 2 महीने पहले मैसेज दिए थे क्या पूर्वन पश्चिम पूर्व वाले आएंगे उनका काम है, पश्चिम वाले आएंगे उनका काम है। हमारा बोलना ये है तुम पूरे रास्ते का सत्यानाश कर दो जैसा पूरे इसमें स्मार्ट सिटी के नाम से करें, लेकिन पानी जो वाया जा रहा है हमको इसका हिसाब तुम्हारे से लेना पड़ेगा। जीपीओ जलकुंभाचा कॉक बंद केल्यानंतर पानी वाया जाने बंद झाले। गुड्डू शेख, दिशानुज, नाशिक।